दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है और वो आदमी उसे टच नहीं करता तो वो अपने अंदर के आग मिटाने के लिए अनजान आदमियों के साथ गपा गप करती है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैटरीन था। कैटरीन की शादी अलेक्जेंडर नाम के एक आदमी से होती है। वो एज में कैटरीन से बहुत ज्यादा बड़ा था और इंग्लैंड में अपने फादर के साथ रहता था। उसके फादर का नाम बोरिस था और ये लोग बहुत अमीर थे। शादी के पहले रात कैटरीन को एक एना नाम की मेड तैयार करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, जिस पर कैटरीन कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद कैटरीन रूम में जाकर अपने हस्बैंड का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एलेक्स आता है और वो कैटरीन से कहता है कि तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, क्योंकि ये कमरा रात को बहुत ठंडा हो जाता है। तो कैटरीन कहती है कि नहीं। इसके बाद एलेक्स कैटरीन से कहता है कि तुम आज से घर के अंदर ही रहोगी और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगी, क्योंकि हमारे बहुत से दुश्मन है। पर कैटरीन कहती है कि मुझे बाहर की ताजा हवा बहुत पसंद है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, एलेक्स कहता है कि अपना सब कुछ उतारो। तो कैटरीन अपना सब कुछ उतारती है पर एलेक्स उसके साथ कुछ भी नहीं करता और सो जाता है। जैसा कि एलेक्स ने कहा था, कैटरीन घर के अंदर ही रहती है, उसका बाहर निकलना बंद था और वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। रात को वो एलेक्स के साथ बेड पर ही सोती थी पर उन दोनों के दरमियान कभी भी रेलगाड़ी नहीं चलती थी। और अगले दिन एलेक्स रूम में आते ही कैटरीन को सब कुछ उतारने को कहता है। कैटरीन अपना सब कुछ उतारती है तो एलेक्स उसे दीवार की तरफ देखने को कहता है और उसके तरबूज देखकर हैरानी लगता है। इसके बाद एलेक्स और उसके डैड बोरिस किसी काम से दूसरे शहर जाते हैं। अब कैटरीन घर में अकेली थी, बस उसके साथ एना नाम की एक मेड थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तो वो घर से बाहर निकल जाती है और ताजी हवा लेती है। इसके बाद एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो फौरन वहाँ पर जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि नौकर उनकी मेड एना को परेशान कर रहे थे। तो एक मुलाजिम जिसका नाम सैम होता है, वो कैटरीन से कहता है कि हम एक सुअर का वजन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो एना थी। पर कैटरीन एना को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर कैटरीन सैम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे अपने रूम में बुलाती है। और जब सैम घर में आता है तो पहले तो कैटरीन डर जाती है और उसे चले जाने को बोलती है, पर सैम जबरदस्ती अंदर आ जाता है और कैटरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो कैटरीन भी खुद को रोक नहीं पाती और सैम के साथ पलंग तोड़ती है और यहाँ से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। एक सुबह एना रूम में आती है तो वो देखती है कि कैटरीन की ड्रेस फर्श पर पड़ी है और वो ऐसे ही सो रही है। एना ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि कैटरीन ऐसे ही कभी नहीं सोती थी, इसीलिए एना ये बात पादरी को बताती है। तो पादरी कैटरीन को समझाने आते हैं, लेकिन बात शुरू करने से पहले कैटरीन वहाँ से उठकर चली जाती है। और इसके बाद वो सैम के साथ गपा गप करना जारी रखती है और ये सब एना की आंखों के सामने हो रहा था। तो एक दिन एना कैटरीन को बताती है कि एलेक्स का डैड बोरिस वापस आ गया है और वो खेतों में गया है और थोड़ी ही देर में घर पर वापस आ जाएगा। तो जब बोरिस घर पर आता है तो उसे कैटरीन के अफेयर के बारे में पता चलता है। तो वो सैम को बहुत मारता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और जब कैटरीन सैम को छोड़ने की मांग करती है तो बोरिस कैटरीन को भी एक थप्पड़ चिपका देता है। इस बात से गुस्सा होकर कैटरीन बोरिस के खाने में जहर मिला देती है जिससे बोरिस की डेथ हो जाती है। अब एना को शक था कि बोरिस को कैटरीन ने मारा है और इसीलिए सैम और कैटरीन थोड़े डर जाते हैं कि कहीं एना एलेक्स को ना बता दे। एक रात जब सैम और कैटरीन पलंग तोड़ने के बाद सो रहे होते हैं तभी कैटरीन की आँख खुलती है और वो देखती है कि एलेक्स लौट आया है। तो वो फौरन सैम को जगा कर उसे पास वाले रूम में छुपा देती है और बेड पर बैठ कर ऐसा दिखावा करती है जैसे वो जाग रही हो। जब एलेक्स रूम में आता है तो वहाँ पर उसे एक बेल्ट मिलती है। तो कैटरीन कहती है कि मुझे ये खेत में मिली थी और मैं इसे साथ ले आई, पर असल में वो सैम की बेल्ट थी। फिर कैटरीन एलेक्स के लिए चाय बना कर लाती है पर वहाँ एलेक्स बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया है, तुम एक गंदी औरत बन चुकी हो। ये सुनने के बाद कैटरीन उठती है और साथ वाले रूम से सैम को निकाल कर लाती है और एलेक्स के सामने उसके साथ गपा गप करती है। पर एलेक्स को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो सैम को पकड़ कर मारने लगता है और इसी हाथापाई में कैटरीन एलेक्स को मार देती है। एलेक्स को मरा देख सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और वो एलेक्स की बॉडी को जंगल में दफना देते हैं। यहाँ सैम कैटरीन से कहता है कि मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे एलेक्स की लाश दिखाई देती है, लेकिन कैटरीन उसे समझाती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि हम दोनों साथ रह सके। इसके बाद सैम और कैटरीन उस घर में ऐसे रहने लगते हैं जैसे ये प्रॉपर्टी उनकी हो। एक दिन एक औरत टेडी नाम के एक बच्चे को कैटरीन के घर में लेके आती है। इस औरत का नाम एग्नेस था और वो ऐसा दावा करती है कि टेडी एलेक्स का बेटा है और वो कहती है कि ये मेरी बेटी का बेटा है। एलेक्स और मेरी बेटी के दरमियान रिलेशन था और मेरी बेटी की मौत हो गई, उसके बाद मैंने ही टेडी को पाल पोस कर बड़ा किया है। और वो कहती है कि अगर एलेक्स मर गया है तो इस प्रॉपर्टी का वारिस टेडी बनेगा। पर कैटरीन कहती है कि एलेक्स मरा नहीं है बल्कि अब वो लापता है और कुछ ही दिनों में वो मिल जाएगा और वो घर पर आ जाएगा। इसके बाद ना चाहते हुए भी कैटरीन को उन दोनों को घर पर ही रखना पड़ता है और इस बात से नाराज होकर सैम अपने घर पर चला जाता है। एक दिन कैटरीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात सैम को बताने जाती है और सैम उस पर गुस्सा हो जाता है और वो वापस आ जाती है। इसके बाद कैटरीन किसी बात पर टेडी को डांटती है तो टेडी कहीं चला जाता है, इसीलिए सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। सैम को टेडी मिल जाता है
पीछे जाती है और उसे रोक लेती है। अब कैटरीन एग्नेस से जाकर कहती है कि आप जाकर आराम करें, तब तक मैं डैडी का ख्याल रखती हूँ। तो एग्नेस चली जाती है और जाकर सो जाती है। पर एग्नेस के जाने के बाद कैटरीन और सैम मिलकर डैडी को मार देते हैं और उसे जंगल में दफना देते हैं। इसके बाद सैम जंगल में जाकर रोने लगता है। उसे पछतावा हो रहा था कि उन्होंने एक बच्चे को मार दिया, जबकि घर पे कैटरीन सबके सामने ये बोलती है कि मैं सो गई थी और मुझे नहीं पता कि डैडी कैसे मरा। तो गांव के डॉक्टर को कैटरीन पे शक होने लगता है। जब इस मामले पे चर्चा की जा रही थी, तभी सैम लौटता है जंगल से और वो कहता है कि डैडी को कैटरीन ने ही मारा है, पर मैं भी कैटरीन के साथ इस मर्डर में शामिल था। और वो ये भी बता देता है कि एलेक्स और बॉयस को भी हमने ही मारा था, इसीलिए ताकि हम दोनों साथ रह सके। तो कैटरीन कहती है कि सैम झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी एना कहती है कि सैम सच कह रहा है, इन दोनों ने ही सब मर्डर किए हैं। तो उन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और यही